if we come to this error PDF part that we I have created, देखो हम लोग ने किया क्या था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स. हम लोग ने प्रूव क्या कर दिया था, अनलकीली ये प्रूव कर दिया हम लोग ने कि जो आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो डिटरमिनेंट नहीं होता था. हम लोग जो लेक्चर नोट्स थे हमारे लेक्चर्स के अंदर, हम लोग ने एक जगह पे ये प्रूव कर दिया था कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैम्डा का यूज करके हम लोग ने यहाँ पर नोट किया था कि ये डिटरमिनेंट इज सेम एज माइनस वन रेस टू एन लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा. अब ऐसा क्यों हो रहा था उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले रहे कि हम लोग ने किया क्या था. हम लोग ने जो भी सोचा था सब कुछ सही था एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द चेंज ऑफ द साइन, जो मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया. यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूंगा. हम लोग ने यहाँ पर लिया क्या था, हम लोग ने इस जगह पर लैम्डा माइनस लैम्डा वन ले लिया था, लैम्डा माइनस लैम्डा टू, लैम्डा माइनस लैम्डा, यानी कि यहाँ पे जो था उनके ऑर्डर जो थे वो अलग ले लिया था, जिसकी वजह से हमें जो आंसर था उसमें एरर आ रहा था. अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को ए माइनस लैम्डा ले रहे हैं तो उसका जो अगर रूट्स है उसके अगर जो रूट्स है तो हमें रूट्स को भी आगे लिखना होगा और लैम्डा को पीछे लिखना होगा. अगर मैं इस चीज को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, यहां पे जैसे कि ये सिचुएशन था, ये जो सिचुएशन है ना वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की. आई विल कम टू दिस एरर नाउ. यहां पे मैंने उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज 2 एंड 3 आर माय रूट्स, 2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और अगर आपका ये जो है फर्स्ट टर्म अगर माइनस में है देन यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. एज अ पॉलिनॉमियल साइन के अंदर डिफरेंस होता है. जैसे कि अगर हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को ये ले लिया a माइनस लैम्डा आई और हमें पता है कि दिस आर नथिंग बट रूट्स ऑफ इट, देन हमारा जो रूट्स के हिसाब से लिखा जाना चाहिए था दैट शुड हैव बीन लैम्डा वन माइनस लैम्डा. हम लोग ने गलती से उसको लैम्डा माइनस लैम्डा वन लिख लिया था, जिसकी वजह से हमें एक माइनर सा एरर आ रहा था. एरर क्या आ रहा था कि हम लोग ने फिर ये प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए सेम एज माइनस वन रेज टू एन लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट 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 लैम्डा एन. ओके, सो दिस वॉज नथिंग बट द एरर. आने का रीजन क्या था, रीजन सिंपल सा ये था कि हम लोग ने यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा वन ले लिया था जो गलत था, और उसका रीजन मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. If you are unable to get it after it, then let me know personally. तो फिर हम लोग और एक बार लेंगे और मैं बताऊंगा. But अभी in short अगर बताने की कोशिश करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जब कभी भी हम लोग determinant of a minus lambda I लेते हैं तब अगर even order है तब हमारा जो lambda square है वो positive में आता है, लेकिन अगर odd order है तो lambda cube जो है जो पहला term जो है वो negative में आता है, जिसकी वजह से हमें फाइनल जो आंसर है वो इस हिसाब से नहीं मिलता है, लैम्डा माइनस लैम्डा वन से नहीं मिलता है, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में हर बार आंसर पॉजिटिव ही आता है, विच इज रॉन्ग, विच वी कैन ऑब्जर्व बाय टेकिंग केसेस. एन इज इक्वल टू टू लेने पे पॉजिटिव आ रहा है, एन इज इक्वल टू थ्री लेने पे नेगेटिव आ रहा है. इसीलिए ये जो केस ले रहे थे वो रॉन्ग है, जो वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया. मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि एक बार उसे देखिए, अगर नहीं समझता देन आई विल डिस्कस इट इन डिटेल, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट दे रहा हूँ कि किस चीजों पे ध्यान दे रहा है. ध्यान क्या देना है कि अगर a माइनस लैम्डा है ये, then the characteristic polynomial should be लैम्डा पीछे होना चाहिए. अगर यहाँ पर पीछे है तो यहाँ पर भी पीछे होना चाहिए. रीजनिंग इज देयर इन द वीडियो एंड इन द पीडीएफ सॉल्यूशन. अभी हम लोग उसको थोड़ा साइड रख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आपके प्रैक्टिकल का जो लास्ट एमसीक्यू है वो भी सॉल्व हो जाता है. यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस वाज द बेसिक रिजल्ट व्हिच इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एन. इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा बाउंसर टाइप हो सकता है. इफ यू हैवंट वॉच द वीडियो वॉच इट वंस, उसके बाद हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे जो भी डाउट. सर वी कैन इग्नोर दैट स्टार्ट पार्ट, विच पार्ट आई डिडंट गेट यू. निकिता जी इफ यू इफ पॉसिबल यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो which part you are trying in this proof. Let's scroll. Okay. Yes, star part could be ignored. The reason is really simple, because at this present
वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग टर्म, बिकॉज मुझे क्या बताना था, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल कि फर्स्ट टर्म का साइन क्या है. यूजुअली हम लोग इग्नोर नहीं करते, बट माई इंटरेस्ट इज देयर इन साइड द फर्स्ट टर्म ओनली. इसीलिए इस प्रूफ के अंदर हमें बाकी सारी चीजों को इग्नोर किया है. अदरवाइज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग. व्हाट आई वांट इज कि मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने स्टार पार्ट. हम लोग एक्चुअली ये करते हैं, दिस इज अ जनरल वे इन मैथमेटिक्स, जिस चीज पे हमें इंटरेस्ट होता है हम लोग उसको रखते हैं. इफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद इट, वी जस्ट कीप स्टार ऑन इट्स प्लेस. हम लोग ऐसा करते भी है, मेनी रेफरेंस बुक ऑल्सो डज दिस, कि जिस चीज पे हमें इंटरेस्ट है उस पर फोकस करने के लिए, बाकी सारी चीजें अगर उसकी नहीं परेशान कर रही है देन हम लोग उसको स्टार रख के कहते हैं कि हाँ लेट इट बी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस केस, वी कैन इग्नोर दैट पार्ट. यस, बट जनरली नहीं कर सकता, बिकॉज जनरली पूरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे इंटरेस्ट होता है. बट यहाँ पे हमने एरर जो किया था उस हिसाब से हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बाकी सारी चीजों को हटा दिया. ठीक है, हम लोग एक लेक्चर पे छूटे थे, क्वेश्चन नंबर लाइक लेक्चर नंबर 8 के अंदर एक एरर था जो क्लियर होगा बाय यूजिंग दैट वीडियो. वॉच इट वंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हो गया, एरर खत्म हो गया, नहीं, दैट इज देयर. अगर नहीं समझता तो इट्स योर ड्यूटी टू आस्क मी पहले. ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हम लोग ने कहाँ पे रुके थे, तो हम लोग लेक्चर था कि ए का मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर ढूंढना है, एंड बाय यूजिंग इट वी आर सपोज टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर दिस फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, तो उसको एक अच्छे से लिखने के लिए व्हाट आई डिड, आई जस्ट ट्राई टू कीप इट इन दिस फॉर्मेट. सो मैट्रिक्स ए है जिसके आइगन वैल्यूज हमने निकाले थे साथ में बैठ के 1, 2, 3. आइगन वेक्टर ये वाला साथ में निकाला था, ये दोनों मैंने निकाले, यू कैन इजीली वेरीफाई कि ये आइगन वेक्टर्स है. ठीक है, अब क्वेश्चन सिंपल सा है, ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या होगी आप मुझे बताओगे, है ना. यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक स्पेसेस दैट आई हैव केप्ट. ए इनवर्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या होगी आपको मुझे बताना. ए के आइगन वैल्यू आपके सामने है, व्हाट शुड बी द आइगन वैल्यूज फॉर ए इनवर्स. यस, इट इज इनवर्स ऑफ दोस, यानी कि इट इज 1, 1/2 and 1/3. वेरी गुड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1 इन दिस मैट्रिक्स ए इनवर्स. ए इनवर्स के अंदर आइगन वेक्टर क्या होगा फॉर द दिस 1. It is same. Same as what? Same as this. Very good. So it is 1, 0, 1. Very good. So यही चीज थी जो मैं चाहता था आप समझो. Similarly, half के लिए आइगन वेक्टर क्या होगा, तो वही आइगन वेक्टर होगा जो 2 के लिए था. So it is 1, 2, 0. Similarly, 1/3 के लिए कौन सा आइगन वेक्टर होगा, वही होगा जो 3 के लिए था. So it is 1, 1, 1. Okay. So good observation. I'm really happy कि आपको याद था वो. Now comes the difficult part. इसके लिए आइगन वैल्यूज क्या हो गए, ए क्यूब माइनस 2a² + 1i. इसके लिए आइगन वैल्यूज क्या होगा, यशोदा जी गुड मॉर्निंग. Yes, what are the eigenvalues for this? ये कुछ तो मैट्रिक्स होगा उसके लिए हमें आइगन वैल्यू चाहिए. अतुल जी गुड मॉर्निंग. अच्छा आई थिंक अतुल ने वापस से ज्वाइन किया ऐसा, क्योंकि कोई नहीं. What are the eigenvalues for a cube minus 2a² + i? Yes, my dear friend, कैसे निकालोगे, क्या सोच रहे हो. हम लोग ने एक थ्योरम किया था उसका हमें यूज करना होगा. What was that theorem? Is f of lambda is an eigen value for f of a. ठीक है, इस चीज का यूज करना है हमें. Please read the notes after the lectures also and try to understand it. What are the eigen values, dear friends? बताइए. टाइम ले लिया ना इसके लिए बोल रहा हूँ.
क्या करना है यार, सिर्फ वो रख देना है। एनीबडी एक बार कोई आंसर दे तो मैं एक्सप्लेन भी करूं। आइगन वैल्यू चाहिए सर, क्या करोगे आपको इस वन को उस इक्वेशन में रख देना है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू मिलेगा, टू को उस इक्वेशन में रख देना है तो और एक आइगन वैल्यू मिलेगा, थ्री को उस इक्वेशन में रख देना और एक आइगन वैल्यू मिलेगा। यस, सो इट इज 0, 1 एंड 10, सो इट इज 2 क्यूब एंड देन 9, 18, 18 प्लस 1, या इट इज 10, इज इट ओके? सबको समझ रहा है 0, 1, 10 कहां से आए? क्या किया, इस 1 को उस इक्वेशन में रख दिया, 2 को इस इक्वेशन में रख दिया, 3 को इस इक्वेशन में रख दिया। क्यों हम लोग कर सकते हैं, इफ वी नो लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन एफ ऑफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। अब आपको एफ ऑफ ए पता है तो एफ ऑफ लैम्डा फाइंड आउट कर लो ना, ठीक है? तो अब 0 के लिए कौन सा आइगन वेक्टर होगा, 0 के लिए आइगन वेक्टर कौन सा होगा? What will be the eigen vector for 0? Eigen value तो मिल गया by using that कि lambda is for a, then f of lambda is for f of a. But इसके लिए eigen vector क्या होगा? Is it same? ऊपर वाला जैसे ही रहेगा? तो फिर कुछ और आएगा? Same as the eigen vector, ये यही आएगा कि कुछ और आएगा? अगर आप प्रूफ को देखोगे और हमारे नोट्स को देखोगे तो हमने नोट भी किया था कि आइगन वेक्टर जो था f of lambda का, it is same as eigen vector for lambda. Yes, तो यहां पे सेम लिख दो चलेगा, 101. Yes, okay. Now, 1 के लिए भी 101 ही होना चाहिए, yes or no? Because 1 के लिए आइगन वेक्टर तो 101 है, तो वही लिख दूं यहां पे 101. Because 1 के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे, A जो है, A मैट्रिक्स के लिए 1 के लिए आइगन वेक्टर था 101. तो इस मैट्रिक्स के 1 के लिए आइगन वेक्टर होगा 101, yes or no? Yes, very bad. कभी भी हाँ बोल रहे हो, no, no is the answer. कौन किस इसका आइगन वेक्टर कहां से मिलेगा? तो इसका आइगन वेक्टर लैम्बडा से मिलेगा. ये 1 कहां से मिला था? तो 2 से मिला था, है ना, 2 रख के. तो इसका जो आइगन वेक्टर होगा वही आइगन वेक्टर आपको यहां पे लिखना होगा, ठीक है? ये एक सिली सा मिस्टेक है जो मैं चाहता था आप करो, एंड आपने किया. 2 से वाला जो आइगन वेक्टर रहेगा दैट विल बी द आइगन वेक्टर फॉर दिस वन, ठीक है? सो आइगन वेक्टर कहां से मिलेगा? तो आइगन वैल्यू जहां से आया है वहां से ही आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है साबिया जी? कहां से आइगन वैल्यू आया? 1, 2 से आया ना, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वही आपको यूज करना होगा. सिमिलरली ये 10 कहां से आया? 3 से आया, तो 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वही सेम यहां पर भी काम करेगा, ठीक है? सो इट इज 111. Now we come to the last part, that is a plus 2i. Yes. Let me know the eigenvalues first. Eigenvectors same होगे, वो मुझे पता है, चलो. कि eigenvectors कैसे होते हैं, तो same ही होते हैं. Eigenvalues क्या है, मुझे बता दीजिए एक बार, please. इस चीज का ध्यान रखेंगे कि a के eigenvalues को use कीजिए. a के eigenvalues जो है वो, यानी कि एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 3, 4, 5. वेरी गुड साबिया जी, करेक्ट. इज इट ओके 3, 4, 5 एंड दिस? करेक्ट, ओके. एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस. हम लोग ने क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर ए के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पता है तो हमें उससे रिलेटेड बहुत सारे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर डायरेक्टली पता चल जाता है. सो अगर क्वेश्चन में आता है कि ए ये है, फिर इसका आइगन वैल्यू या फिर आइगन वेक्टर क्या है, तो इसको फाइंड आउट मत करने जाओ, इस मैट्रिक्स को मत करो फाइंड आउट. एक ही आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करो और अकॉर्डिंगली कंक्लूजन पे आ जाओ, ठीक है? हम लोग और भी बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी थोड़े कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं.
इन प्रैक्टिकल सेशन हमने देखा था कि आइगन स्पेस करके एक कॉन्सेप्ट आता है, तो आज थोड़ा उस आइगन स्पेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइगन स्पेस होता क्या है उसको जानते हैं। फॉर एन एनक्रॉस एन मैट्रिक्स ए द सेट ऑफ मैट्राइसेस ऑफ डायमेंशन एन क्रॉस वन, सेट ऑफ मैट्राइसेस x which is of the dimension n cross 1 which satisfy ax is equal to lambda x is called eigen space of lambda in for matrix A, इन नहीं लिखना चाहिए, फॉर मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, क्या यार मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे आइगन वेक्टर्स को कलेक्ट किया, लेकिन यहां पे कुछ और स्पेशल हो रहा है। कैन एनीबडी नोटिस आइगन वेक्टर्स को छोड़ के भी और एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे कलेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, दैट इज अ सेट। इस सेट को हम लोग यूजुअली ई लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं। ई लैम्डा क्या है, तो दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट A x is nothing but lambda x, और इसी को हम लोग कहते हैं आइगन स्पेस। आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, करेक्ट, इसको हम लोग आइगन स्पेस कहते हैं। यहां पे मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने सारे के सारे आइगन वेक्टर्स ऑफ लैम्डा को तो कलेक्ट कर रहा हूं, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को कलेक्ट कर रहा हूं। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो कौन सा एलिमेंट है? क्या सारे के सारे आइगन वेक्टर ही आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है इसके अंदर? इसको छोड़ के कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो रहा है यहाँ पे जो आइगन वेक्टर नहीं है फिर भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा? आइगन वैल्यूज कैसे हो गए डियर निकिता जी? आइगन वैल्यूज आर व्हाट? दीज आर नंबर्स, इट इज ओवर हियर। मैं किसको कलेक्ट कर रहा हूं? एक्स को कलेक्ट कर रहा हूं। एक्स क्या है? एन क्रॉस वन मैट्राइस, यानी कि वेक्टर्स है। तो फॉर दिस देखो, जो भी x इसको सेटिस्फाई करते हैं उसको क्या आप आइगन वेक्टर बोल देते हो? यस और नो? यस, जो भी x इसको सेटिस्फाई करता है क्या आप उसको आप आइगन वेक्टर कह सकते हो? यस। नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन अगेन, दैट लेकिन एक छोटा सा कंडीशन होता है, x क्या होना चाहिए है ना, x कुछ सेटिस्फाई करना चाहिए ना। व्हाट इज दैट कंडीशन x शुड सेटिस्फाई? कंडीशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ और एक चीज होता है एक्स के ऊपर, वो क्या होता है? इट शुड बी ना 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 लीनियरली डिपेंडेंट। कहां आता है यार आइगन वेक्टर? जब हम लोग मैंने डिफाइन किया था कि एक्स इज व्हाट, देन इट सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। एक्स शुड बी नॉन जीरो, करेक्ट। हमारा जो आइगन वेक्टर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहां पे जिस तरीके से लिखा गया है और अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर x का वैल्यू जीरो होगा तो भी चलेगा ना, बिकॉज अगर मैंने a जीरो लिया सो इट इज सेम एज लैम्डा टाइम जीरो। सो जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आइगन स्पेस, यस और नो? भले ही वो आइगन वेक्टर नहीं है फिर भी वो आइगन स्पेस का हिस्सा है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं कि जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आइगन स्पेस। उसके अंदर सारे के सारे आइगन वेक्टर हैं, विद दैट देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा एलिमेंट, दैट इज नथिंग बट जीरो, बिकॉज जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन। कहीं पर भी हमने नॉन जीरो लिखा है क्या? एक्स नहीं लिखा है। इज इट ओके? समझ रहा है साबिया जी कि सारे आइगन वेक्टर्स है फॉर लैम्डा, लेकिन उसके साथ साथ जीरो भी आ रहा है जो आइगन वेक्टर नहीं है। क्यों आ रहा है वो थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन आ रहा है वो देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब अगर मैट्रिक्स के लिए इस तरीके से है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी सेम ही होता है। फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, माय ई ऑफ लैम्डा, माय आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज डिफाइंड एज ई ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट मेरा टी ऑफ एक्स राइट कैपिटल होगी t ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x। क्या इसके अंदर भी जीरो आता है? यस और नो ऑब्जर्व करके बताओ, क्या इसके अंदर भी जीरो इंक्लूड होगा?
क्या इसके अंदर भी जीरो सेटिस्फाई करता है? यस इट इज, बिकॉज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो जीरो को जीरो पे मैप करता है, यानी कि अगर मैंने टी ऑफ जीरो ले लिया तो इट इज नथिंग बट जीरो, विच इज नथिंग बट लैम्डा टाइम जीरो, कोई भी लैम्डा हो, करेक्ट? तो उसका मतलब कि इसके अंदर भी जीरो है, यानी कि अगर मैं इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करूं, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू देन ई ऑफ लैम्डा के अंदर क्या है? देन ई ऑफ लैम्डा इज द सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ लैम्डा यूनियन विथ सेट ऑफ यूनियन विथ जीरो एलिमेंट, यानी कि उसके अंदर सारे के सारे आइगन वेक्टर्स होता है, उसके साथ साथ जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है? तो आइगन स्पेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसके अंदर आइगन वेक्टर है। स्पेस वर्ड क्यों यूज होता है? बिकॉज दिस ई लैम्डा इज एक्चुअली नथिंग बट अ सबस्पेस, उस चीज को अभी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए क्या याद है कि भाई आइगन स्पेस क्या होता है? तो इसके अंदर सिर्फ हम लोग सारे के सारे आइगन वेक्टर्स को जमा करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू, इसके साथ साथ हम लोग जीरो एलिमेंट को भी रखते हैं। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये जो ई लैम्डा जो है वो एक सबस्पेस है, ठीक है? वंस वी प्रूव इट, फिर एग्जांपल देखेंगे और आइडिया को और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आइगन स्पेस क्या होता है? सो आइगन स्पेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स इंक्लूडिंग जीरो इन दैट सेट, ठीक है? सारे के सारे आइगन वेक्टर्स है, उसके साथ साथ जीरो एलिमेंट भी है। आई थिंक सेम पेज के ऊपर प्रूव करना है मुझे, बिकॉज मैंने नया पेज नहीं बनाया। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग, एक बार प्रूव करते हैं एक स्टेटमेंट को। लेट टी फ्रॉम वी टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ आइगन वैल्यू लैम्ब्डा, यानी कि लैम्ब्डा इज वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू, देन शो दैट अभी जो हम लोग ने किया ई ऑफ लैम्ब्डा डिफाइंडेड बाय ऑल दोज एक्स सच दैट योर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्ब्डा एक्स, दिस इज अ सबस्पेस ऑफ वी, यानी कि डोमेन जो है, एक्चुअली हम लोग ने डोमेन को डोमेन सीन लिया, बट अभी हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये जो हम लोग आइगन स्पेस बोल रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ने सिर्फ आइगन वेक्टर्स और जीरो को रखा है, वो जो है वो एक सबस्पेस होता है, वो अभी हम लोग प्रूव करेंगे। नाउ कोई मुझे बताएगा कि सबस्पेस क्या होता है? सबस्पेस होता क्या है? सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस? वेरी बैड। सिर्फ सबसेट होने से सबस्पेस कह सकते क्या? नो, देयर शुड बी समथिंग मोर ना, सिर्फ सबसेट को आप सबस्पेस नहीं कहते। इनसाइड नहीं समझा कुछ तो किसी ने ऑडियो में बोला लेकिन आवाज नहीं आया पूरा। हाँ बोले ना, जीरो एलिमेंट होने से वो सबस्पेस हो जाता है क्या? सिर्फ जीरो होगा उसके अंदर तो वो सबस्पेस है, विच इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस। वेरी गुड दीपक जी, सही पॉइंट पकड़े हो आप, ठीक है? ध्यान रखेंगे सबस्पेस क्या होता है, तो एक सब वेक्टर स्पेस के अंदर एक छोटा सा सबस्पेस है, यानी कि एक छोटा सा सेट है उसी के अंदर जो खुद एक वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन, देन इट इज कॉल्ड एज अ सबस्पेस। सबस्पेस यानी कि सबसेट तो है ही, उसके साथ साथ वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है? सबसेट के साथ साथ दैट ऑल्सो शुड बी अ वेक्टर स्पेस, तभी तो सबस्पेस वर्ड यूज हो रहा है। सिर्फ सबसेट नहीं है, उसके साथ वो स्पेस भी है, स्पेस यानी कि वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है? तो हमें ये प्रूव करना होगा दिस इज अ सबसेट ऑफ वी, उसके साथ साथ दैट शुड बी अ वेक्टर स्पेस ऑल्सो, यानी कि यहाँ पे तो एक्चुअली डेफिनेशन से ही पढ़ रहा है, सबसेट तो हो ही जाता है, लेकिन बहुत ही इज्जत से प्रूव करेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे से। तो पहली चीज, अगर मैं सबस्पेस को अच्छे से डिफाइन करता हूँ, सबस्पेस क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड अ सबस्पेस इफ इट इज वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ दैट वी।
अब उसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पहले तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो पहले वो प्रूव करेंगे। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये e ऑफ लैम्डा क्यू नॉन एम्प्टी है? ये जो सेट है वो नॉन एम्प्टी क्यू होगा, बिकॉज yes, because zero is there, because zero is there inside E of lambda, therefore my E of lambda is non-empty. और उसके साथ साथ उसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, उसके अंदर मैं V के element ही उठा के जमा कर रहा हूँ ना, V के element ही है, तो therefore my E of lambda is a subset of V, because उसी के element जमा कर रहा हूँ, तो पहली चीज हो गई, it is non-empty subset of V. Now my claim is to show that E of lambda is a subspace. सबस्पेस शो करने के लिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल छोटा सा कंडीशन था, उस चीज को हम लोग क्लेम ले लेते हैं। सबस्पेस प्रूव करने के लिए पूरा का पूरा प्रूव करना जरूरी नहीं है, एक छोटा सा कंडीशन था। कंडीशन ये था कि हमें ये प्रूव करना होगा, माय अल्फा एक्स प्लस वाई शुड बी एलिमेंट ऑफ ई ऑफ लैम्डा फॉर एक्स एंड वाई इनसाइड ई लैम्डा एंड अल्फा इनसाइड द फील्ड। ये याद है सबको, एक बार पढ़ो इसको, सबस्पेस का कंडीशन अल्फा एक्स प्लस वाई, वेरी गुड, चीजों को याद रखना भी होगा, समझना इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद चीजों को याद भी रखना होगा। यस yes, ये क्या है, अगर मैंने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि दैट इज नथिंग बट अ सबस्पेस, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग अ सबस्पेस टेस्ट, ओके आगे बढ़ सकता है ये क्लेम, सबको पता है आप, this is nothing but the subspace test. अगर कोई भी set इसको satisfy करता है, then it becomes a subspace. ऐसा क्यों हो रहा है? Because ये condition satisfy करने से वो बाकी सारी condition को satisfy कर सकता है, ठीक है? So we are directly applying subspace test without going in detail. मैं क्या करता हूँ? मुझे ये prove करना है कि ये इसके अंदर है। अब ये इसके अंदर कब होगा? अगर वो उसका condition satisfy करेगा। Condition क्या है? कि T of that should be lambda types of that. Right? तो मुझे मैं क्या करता हूँ, टी ऑफ दैट अज्यूम कर लेता हूँ, सो टी ऑफ दैट दैट इज नथिंग बट अल्फा एक्स प्लस वाई, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मुझे तो प्रूव करना है कि जो इनपुट डाला है वही आउटपुट आता है लेकिन लैम्डा टाइम्स, करेक्ट, वही आउटपुट आता है लेकिन लैम्डा टाइम्स हो, क्या करूं यार, उसके बाद क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट आई शुड डू, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, लेकिन जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर वो टाइप करने डिफिकल्ट है तो अनम्यूट करके विद इन अ सेकंड यू कैन आंसर द थिंग। यस करेक्ट करेक्ट, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको प्लस के ऊपर स्प्लिट कर दिया। अरे यार प्लस पे होता है तो स्केलर पे भी तो होता ही है, यानी कि इस अल्फा को भी तो बाहर ले सकता हूँ क्या, इज इट ओके, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Yes, very good. So now what we'll be doing is, ये t of x क्या होगा कोई बताएगा? What is t of x? Very good. Q, because my x is an element of e of lambda. इसलिए it is lambda x. Plus, since y is also an element of e of lambda, मतलब कि वो भी आइगन वेक्टर है इसके लिए, इसलिए मैं यहां पर lambda y लिख दूंगा। यार ये तो easy हो गया है ना, अब क्या करना है जी, अब तो हमें सिर्फ लैम्डा को बाहर लेना था। क्यों ले सका मैं लैम्डा को बाहर? बिकॉज वो एक नंबर है यार, बाहर ले लो कोई फर्क नहीं है, बिकॉज वेक्टर स्पेस के ऊपर। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसका मतलब मैंने जो इनपुट डाला था वही आउटपुट आ रहा है लेकिन लैम्डा टाइम्स बन के। उसका मतलब कि ये जो चीज है अल्फा एक्स प्लस वाई, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ ई ऑफ लैम्डा। क्या मेरा काम हो गया? ई ऑफ लैम्डा जो है वो अब क्या बन चुका है, इज अ सबस्पेस of the domain, domain is V, ठीक है। अल्फा क्या है? तो it is from field, कुछ तो field का कोई तो element होगा, field कुछ भी हो सकता है, real complex, rational number कुछ भी हो सकता है, so let it be there, but alpha is any scalar, इसीलिए हम लोग इस e lambda को कहते हैं eigen space, eigen क्यों word use कर रहे, because this is another one, eigen vectors, space क्यों use कर रहे, because it is a subspace, ठीक है, okay। अगर मैं कहता हूं कि वो यार एक सबस्पेस है, सबस्पेस यानी वो खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो ये वेक्टर स्पेस वर्ड सुनते ही
कौन कौन सी चीजें आपको याद आती है वेक्टर स्पेस जैसे ही सुनते हो, कौन कौन से टर्म आपको याद आता है वेक्टर स्पेस के अंदर, क्या क्या पढ़ते हो? अगर वो एक वेक्टर स्पेस है, मुझे पता चलेगा ना ई ऑफ लैम्डा इज अ सबस्पेस, यानी कि वो खुद एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो उसके पास कुछ तो होगा ना, क्या पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर हम लोग? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इनवर्स, दिस आर नॉट इवन प्रॉपर्टीज, नहीं प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, मुझे ये जानना है कि वेक्टर स्पेस पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हो उस वेक्टर स्पेस के बारे में। प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए तो सब चीज हो गया। वंस यू नो दिस इज अ वेक्टर स्पेस, प्रॉपर्टीज हो चुका है वो सेटिस्फाई कर ली, उसके बाद वेक्टर स्पेस के बारे में क्या जानना इंटरेस्ट रखते हो आप लोग? मैं चाहता था आप पहले बेसिस बताओ फिर डायमेंशन बताओ। हम लोग कोई भी वेक्टर स्पेस जो होता है उस वेक्टर स्पेस के अंदर हम लोग बेसिस ढूंढते हैं, क्यों? बिकॉज हमें पता है बेसिस जो है वो एक ऐसा सेट है जो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकता है। अगर बेसिस पता है तो बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट है उसे हम लोग कहते हैं डायमेंशन। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये ई ऑफ लैम्डा एक सबस्पेस है, मतलब कि वो एक वेक्टर स्पेस है, अगर वेक्टर स्पेस है तो उसको कुछ बेसिस भी होंगे, अगर उसको बेसिस है तो उसका कुछ डायमेंशन भी होगा ना यार। देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ, नाउ 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 मैं थोड़ा अच्छा कलर ले लेता हूँ, कलर चेंज, नाउ my dimension of E of lambda is called geometric multiplicity of lambda, यानी कि जो eigen value है जिसके corresponding वो eigen space बना है उसका अगर हम लोग dimension ढूंढते हैं, dimension कैसे ढूंढोगे? तो मुझे पता है vector space है तो उसके basis होंगे, basis को ढूंढ लेंगे, फिर कितने basis है? That is nothing but a number. वो जो number है उसे हम लोग कहते हैं geometrical multiplicity of that eigen value. अभी नहीं समझेगा कि ये important क्यों है, आगे जाके जब हम लोग diagonalizable पर जाएंगे ना, धीरे धीरे आप देखोगे जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एट द एंड सब एक ही चीज पे आएगा, diagonal matrix के ऊपर। ये geometrical multiplicity हमें वहां पे काम आने वाला। तो अभी हम लोग define कर रहे हैं कि geometrical multiplicity of an eigen value क्या होता है, तो this is nothing but डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू। ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी तो अल्जीब्रेक मल्टीप्लिसिटी भी कुछ होता है तो उसको भी लिख देते हैं आप। सो अल्जीब्रेक मल्टीप्लिसिटी एक बार लिखेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो और क्लियर होगा। अल्जीब्रेक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज द मल्टीप्लिसिटी as the root of, as the root of characteristic polynomial or characteristic equation, यानी कि characteristic equation जो है उसके अंदर वो lambda कितनी बार आता है as a root, that is something but called as an algebraic multiplicity. geometrical multiplicity यानी कि eigen space जो होता है उसका dimension क्या है, that is called as a geometrical multiplicity. पहली बार देखने पे geometrical multiplicity बहुत डराता है हमको, बट अगर जैसे ही सम सॉल्व करेंगे ना पता चलेगा कि ये पोपट है, कुछ परेशान करने वाला है नहीं हमको, ठीक है। geometrical multiplicity अभी के लिए क्या याद रखेंगे हम लोग, यार geometrical multiplicity का मतलब dimension of eigen space, algebraic multiplicity यानी कि वो कितनी बार रूट आता है inside characteristic equation, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर हमने क्या क्या सीखा है, तो हम लोग ने eigen space को define किया, फिर ये देखा कि उसके अंदर जीरो होता है, यार जीरो होता है तो फिर क्या प्रूव कर दिया, कि हमने ये प्रूव कर दिया आइगन स्पेस इज नथिंग बट अ सबस्पेस। अगर सबस्पेस है तो यार वो खुद एक वेक्टर स्पेस बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया तो डायमेंशन होगा, उस डायमेंशन को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे हमारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, so this is a matrix जिसका पहले हम लोग आइगन वैल्यूज निकालेंगे। सो गाइस टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू क्या क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स।
क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और नथिंग बट आइगन वैल्यूज। तो पहले इसका वो इक्वेशन निकाल दूं, क्या बन रहा है इक्वेशन, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अगर ट्रिक से यूज करना है तो क्या होगा, वो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री, वो सिंपली हो जाएगा, एंड देन माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर्स हो गए मुझे बता दीजिए एक बार, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे नंबर क्या आएगी। ओके, तो फर्स्ट इज वन, द सेकेंड इज सेवन, आई थिंक कुछ, अच्छा फर्स्ट पे सेवन आता है बिकॉज ट्रेस होता है ना, तो ट्रेस इज सेवन। साबिया जी फर्स्ट वन कहाँ से आया, दिस इज एट। ओके, एंड द डिटरमिनेंट इज, डिटरमिनेंट इज ऑल्सो एट। आइगन वैल्यू, ओके हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आइगन वैल्यूज करेक्ट करेक्ट, साबिया जी राइट है, यस। सो इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है आप, एक आइगन वैल्यू साबिया जी हमें दे रही है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक आइगन वैल्यू वन है वो दिख रहा है, करेक्ट, दैट इज इज राइट इन दैट केस। आई थिंक आई एम श्योर वन चल रहा है क्या, इज इक्वेशन राइट, प्लीज वेरीफाई गाइज, आई डोंट थिंक कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, जस्ट वेरीफाई दिस वंस गाइज। बिकॉज अगर आइगन वैल्यू वन है तो वन रखने पे आ रहा है क्या आंसर, बिकॉज नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, एक बार इसको वेरीफाई कीजिए प्लीज। लैम्डा क्यूब माइनस प्लस सेवन, तो ए वन वन क्या आ रहा है, तो एट, एंड देन दिस शुड बी, ये गलत है, बीच वाला है जो नंबर है ना वो गलत है, ये एट नहीं आएगा, ये गलत है, आपको ए वन वन ए टू टू एंड ए थ्री थ्री फाइंड आउट करना था, है ना। सो उस हिसाब से देखिए, ये गलत है बीच वाला नंबर, यस इट शुड बी 14, वेरी गुड, यस आई थिंक दिस इज राइट नाउ, बिकॉज ए वन वन एट आ रहा है, फिर ए टू टू करोगे तो वो फोर आ रहा है, एंड ए थ्री थ्री करोगे तो वो टू आ रहा है, सो इट इज एट प्लस फोर प्लस टू, इट इज 14, इट इज राइट नाउ। अगर आप वन रखोगे तो आंसर जीरो भी आना चाहिए, आ रहा है क्या, यस वो आ रहा है। सो वन इज नथिंग बट वन ऑफ द आइगन वैल्यू, सो लैम्डा माइनस वन तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, अब यहाँ पे कुछ बचेगा, व्हाट इज दैट, इज इक्वल टू जीरो। इफ वन इज नथिंग बट अ रूट, तो फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, कैन एनीबडी लेट मी नो क्या होगा, क्या था सिंथेटिक डिवीजन, क्या था होता था वो जो होता था ना, उससे यूज करो 14 एंड माइनस 8, सो अगर आपने वन इज वन ऑफ द रूट, देन दिस इज वन हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 6 इंटरसेक्टिंग माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो प्लस 6 निकालेंगे तो 8 8 0 ये रूट है, फिर ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8। अब इसको भी डिवाइड करके मुझे बता दो इसके रूट्स क्या है, what are the roots of this, 4 and 2, okay theek hai koi nahi, 4 and 2, yes it is right sahi hai, 4 and 2, okay actually thing might be right but mujhe jo chahiye tha na wo nahi mila, because I just wanted ki koi ek aisa mujhe wo mile jiski multiplicity jo hai wo ek se zyada ho, yahan pe to repeat nahi ho raha hai, तो कोई बात नहीं, इशू नहीं है हमें, यानी कि आइगन वैल्यूज है 1 2 3, 1 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, अलजीब्राइक मल्टीप्लिसिटी यानी कि वो कितनी बार रिपीट होता है एज अ रूट, वन कितनी बार रिपीट हुआ, एक ही बार रिपीट हो ना, उसका मतलब उसका अलजीब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगा 1, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है एज अ रूट, यहाँ पे 4 है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार हुआ तो अलजीब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, 4
4 भी एक ही बार हो रहा है तो 1 आएगा. सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि कितनी बार वो एज अ रूट रिपीट होता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, तो आइगन स्पेस का हमें डायमेंशन ढूंढना होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, 1 के लिए पहले तो आइगन स्पेस ढूंढते हैं, ठीक है. सो 1 के लिए आइगन स्पेस को ढूंढ लेते हैं. पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दिस शुड बी कॉपीड, यहाँ पे ला के उसको पेस्ट करते हैं. नाउ वी विल फाइंड आउट e ऑफ 1, ठीक है. हमारा काम होगा e ऑफ 1 को फाइंड आउट करना. e ऑफ 1 इज क्वेश्चन मार्क नाउ, यानी कि e ऑफ 1 क्या है, पहले तो हमें पता है कि वो क्या होगा. दिस आर नथिंग बट ऑल दोज x सच दैट माई a टाइम्स x इज नथिंग बट 1 टाइम्स x, यानी कि हमें सिर्फ आइगन वेक्टर्स को ढूंढना है. ओके, पेस्ट करते हैं. Now we'll just find it out. Yes. Now A is over here. 1 1 0 0 2 0 0 minus 1 4 times x is nothing but x y z, and this is equal to same thing. So it is x y z. करेक्ट, आइगन वेक्टर्स निकालने वाले ही स्टेप है. लेकिन अब मेरे दिमाग में क्या चलेगा, अब मेरे दिमाग में ये चलेगा कि आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद मुझे आइगन स्पेस का बेसिस भी चाहिए. बहुत सिंपल सी चीज है, पहले तो आइगन वेक्टर्स तो ढूंढ ले. तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू x, मुझे मिल रहा है कि 2y इज इक्वल टू y, एंड देन मुझे मिल रहा है कि माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू z. इधर से मुझे क्या मिलेगा, y is equal to 0. ये भी इक्वेशन मुझे वही कर रहा है कि y should be equal to 0. अगर y equal to 0 मैं रखता हूं तो यहां से मुझे मिल रहा है कि z should be equal to 0. करेक्ट, ये समझा सबको, y और z क्यों 0 है. यस और नो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यस, हर्षल ने यस कहा, बाकी लोग यस. ओके, मतलब कि ये जो मेरा e1 है उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर x आ रहे थे, such that अब वो किस तरीके से है, x are nothing but all those x such that satisfy this equation. मुझे पता चल गया कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये x है, ये 0 है और ये 0 है. अब ये x क्या हो सकता है, x अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. अब 0 का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 0 का रिस्ट्रिक्शन कब हो रहा था, जब हम लोग ये बोल रहे थे कि वो एक आइगन वेक्टर होना चाहिए. आइगन वेक्टर के लिए मैं 0 हटा दूंगा, लेकिन आइगन स्पेस के अंदर तो 0 होता है, मतलब कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 रखने में. अब मुझे आइगन स्पेस मिल चुका है ना. ये समझा मैंने आइगन स्पेस कैसे लिखा, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दैट. मैंने क्या किया, जो भी आइगन वेक्टर था ना उसका सेट में डाल दिया बस, और कुछ नहीं किया. और एक चीज का मैंने ध्यान दिया कि मैंने 0 वाला कंडीशन अब नहीं रख रहा, बिकॉज 0 शुड बी देयर, बिकॉज वो एक लीनियर स्पेस है. जीरो कब हटाता है, जब मुझे आइगन वेक्टर कहना है. आइगन वेक्टर्स आर नॉन जीरो, लेकिन आइगन स्पेस के अंदर 0 भी हम डाल सकते हैं. सिर्फ एक्स की जगह पे जब 0 रहेगा ना तभी वो 0 है, बाकी हर जगह पे वो नॉन जीरो. यानी कि व्हेन एक्स इज नॉन जीरो दे आर आइगन वेक्टर्स, व्हेन एक्स इज 0 इट इज अ जीरो वेक्टर व्हिच इज एन एलिमेंट ऑफ e1. ये e1 कैसे लिखा समझ रहे, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज आई विल डिक्टेट इन डिटेल. अच्छे से समझाने की और कोशिश करो. ओके, व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट व्हाट आई नो इज. इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद अगर मुझे समझाना होता तो मैं क्या करता कि मैं एक्स वाई जेड इज नथिंग बट माई आइगन वेक्टर विच इज नथिंग बट, अब एक्स 0 0 हो गया, यानी कि अब इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, एक्स इज अ नॉन जीरो रियल नंबर. तो मतलब कि सारे के सारे आइगन वेक्टर्स और 0 ये दोनों को मिला के मुझे e1 के अंदर डालना है ना. तो इसीलिए हम लोग ने e1 के अंदर क्या रखा, सारे के सारे आइगन वेक्टर्स और 0 को भी रखा है. 0 कैसे मिलेगा, 0 वेक्टर बाय कीपिंग x इज इक्वल टू 0. आइगन स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स प्लस द 0 एलिमेंट, है ना. तो मैंने क्या किया, आइगन वेक्टर्स प्लस 0 एलिमेंट को जमा कर दिया और वो बन गया मेरा e1. क्या कोई मुझे बताएगा e1 का डायमेंशन क्या है,
E1 का डायमेंशन क्या है? E1 इज नथिंग बट दिस सेट, इसका डायमेंशन क्या होगा? इट इज जनरेटेड बाय हाउ मेनी एलिमेंट्स? Only single element, hence it should have a dimension 1. Generate किससे हो रहा है? वो 100 से generate हो रहा है ना? 100 को कुछ भी multiply करोगे तो आपको even के elements मिलते जाएंगे. So 100 is nothing but a basis for even. Hence dimension of even is nothing but equal to 1. जो भी dimension of even होगा, that is nothing but the geometrical multiplicity for even. That is geometrical multiplicity for eigen value 1. ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे ना तो इन दोनों केस में भी आपको 1 मिलने वाला है. एक्चुअल में जो अभी के लिए मैं एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना तब मैं इससे और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाऊंगा जहां पे ऐसा ना हो. लेकिन अभी के लिए इस एग्जाम्पल में बिकॉज 1 ही आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व करो. क्या करना होगा? तो आइगन वेक्टर्स निकालो, वो जो सेट होगा उसका डायमेंशन ढूंढना. Since dimension is 1, बहुत easily हो जाएगा. एक बार try करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि concept हो चुका है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा. Next हमारा जो lecture होगा उसके अंदर हम लोग और एक interesting example से start करेंगे. ठीक है?